हेलो, मेरा नाम है धर्मपाल और आप सभी देख रहे हैं स्टडी हार्ड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन वर्स सब्सटीट्यूशन की। ये है पार्ट टू। पार्ट वन में आपको लगभग 3 से 4 दिन पहले दे चुका हूँ, तो ये पार्ट टू है। तो इसमें मैं कुछ 12 से 13 वन वर्ड के बारे में बात करूँगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, जो कि SSC CGL एग्ज़ाम 2017 में भी पूछे गए हैं, 16 में भी पूछे गए हैं, उसके साथ ही साथ ये CHSL एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। और जिन भी एग्ज़ामों में ये आपका वन वर्ड आता है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है CHSL 2018 के लिए। तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किलिंग ऑफ बोथ द पेरेंट्स, पहली साइड होता है मतलब जो अपने ही माता पिता की हत्या कर दे। तो जितने भी ये किलिंग ऑफ बोथ द पेरेंट्स होते हैं, फादर होता है, मदर होता है, सिस्टर होते हैं, ये जितने भी होते हैं, पेट्रीसाइड हो गया, पेरिसाइड हो गया, पेट्रीसाइड हो गया, सोरोसाइड हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें जितने भी किलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, उसके बारे में आपको एक लिस्ट बना लेनी है। नहीं आप बना पाएंगे तो मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो पेरिसाइड आपको समझ में आ गया कि जिसने अपने माता पिता की हत्या कर दी है। उसके बाद है किलिंग ऑफ वंस ओन फादर, मतलब जिसने अपने पिता की हत्या कर दी, उसको कहते हैं पेट्रीसाइड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और SSC एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। उसके बाद है फाउंड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, मतलब आपने देखा होगा कि मेहमान नवाजी करने से बोलते हैं बेसिकली, कि फाउंड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, मतलब किसी का मेहमान है और आप उनका बहुत खातिरदारी कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं, इसका मतलब होता है हॉस्पिटेबल, ठीक है, हॉस्पिटेबल कहते हैं मेहमान नवाज को। तो अगर आप इसको एज अ इंग्लिश वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वन वर्ड के लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मर्डर ऑफ ए मैन, जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, होमिसाइड इसे कहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, ठीक है, किसी मनुष्य की हत्या कर देना, ठीक है, ये है मर्डर ऑफ ए मैन इज कॉल्ड होमिसाइड। किलिंग बोथ द पेरेंट्स, पेरिसाइड। किलिंग्स ओन फादर, पेट्रीसाइड, ठीक है। अब देखिए आर्ट, ये थोड़ा सा आसान है, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल फ्रूट एक्सेट्रा, मतलब बेसिकली खेती करने वाले जो कि सब्जियों की करें, फलों की करें, उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, मतलब जासूसी करना, एस्पियोनेज कहते हैं इसे, ठीक है, जासूसी करना। अगला है 7वां, वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, मतलब किसी व्यक्ति की जो जब आदमी मर जाता है, ये किसी व्यक्ति की, हाँ, किसी व्यक्ति की कब्र पे जो शब्द लिखे जाते हैं, जैसे आप मर गए हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति मर गया है तो उसकी कब्र पे जो शब्द लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं, मतलब कब्र पे, सिंपल से अगर मैं किताबी भाषा में आपको बताऊं तो कब्र पे अंकित शब्द, इसे कहते हैं एपिटैप, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और SSC के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि ऑफ वंस ओन फ्री विल, मतलब अपनी ही इच्छा से, मतलब अपनी स्वेच्छा से करने वाला आदमी, व्यक्ति, तो उसे कहते हैं वॉलेंटरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 9वां, इवनिंग प्रेयर्स इन द चर्च, मतलब चर्च में जो शाम की प्रेयर होती है उसे कहते हैं, उसे हम वेस्पर्स कहते हैं, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए अगला फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, किलिंग ऑफ ओन्स वाइफ, मतलब अपनी पत्नी की हत्या कर देना, यूक्सोरीसाइड कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस अगला है कि फूलिशली फाउंड ऑफ ओन्स वाइफ, ठीक है, वंस वाइफ, सॉरी, फूलिशली फाउंड ऑफ वंस वाइफ, मतलब वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी की बातें मानता है या उनकी बातों पे चलता है उसे हम कहते हैं, तो इसका, इसको हम कहते हैं हैंडपैक्ड माने, ठीक है, मतलब अपनी पत्नी की सारी बातें सुनने वाला, ठीक है। और लास्ट है अ वूमेन हुज हस्बैंड इज डेड, ये आप सभी को पता है, विडो, जिसे कि हम हिंदी में विधवा कहते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये कुछ 12 मैंने वन वर्ड आपको यहाँ पे बताए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपसे कहा है कि आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, नहीं होगा तो मैं बना के दे दूंगा आपको, आप उनको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला वीडियो आज दिन का, कल मतलब आज शाम को एक वीडियो मैं आपको और दूंगा जो कि आपको 8 से 9 बजे के बीच मिल जाएगा, और कल दिन है संडे, हमेशा की तरह हमारे 2 वीडियो रहेंगे, एक सुबह एक शाम। तो वीडियो अगर लाइक पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के अपडेट मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो आज का एक वीडियो ये है, एक वीडियो शाम को और 2 वीडियो कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।